हम अपने साथ इस वीडियो में कैसे बंदे को लेके आए जिसने स्कॉलरशिप का खूब आनंद उठाया है। और आपका फील्ड और मेरा फील्ड मैच होता है तो क्या आप मुझे सुपरवाइज करोगे? क्योंकि दो महीने पहले किसी से इतने पैसे ले लिए, बीजार मेरे अकाउंट में डाल दे, मुझे स्टेटमेंट निकालनी है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक, एक बार फिर से स्वागत है हमारी नई वीडियो में। ये देखो हम लोग आ रहे थे, अलग अलग वो लगा रखे हैं, क्या नाम है इसका, छोटी छोटी, और ये जितनी भी लगा रखे हैं ये सारे सब्जियां या नींबू वगैरह, नीचे तो पानी हो रखा है, ये सारे लोगों ने ऐसे ही लगा रखे हैं। मतलब ऐसा नहीं भी किसी की अपनी जगह है, कोई बस ऐसे लगा रखे हैं, बस लोगों को शौक है क्योंकि घरों में लगा नहीं सकते, किसी पर्टिकुलर इंसान की जगह नहीं है ना, मतलब तुम चाहो जाके तुम भी लगा सकती हो वहां पे, बस ऐसे लिए भी ताकि कोई भी यूज कर ले पर उसकी संभाल वो करे, पानी पुनी डालना या ऐसा कुछ। इतने दिनों बाद मुझे भी पाओगे इस ब्लॉग में। हाँ, बहुत टाइम बाद ही आई है, इसको हमेशा भागना होता है क्योंकि आलसी लोगों का आपको पता ही है कोई दीन धर्म नहीं होता। ये तुझे पता है एक बार हम इधर भी आए थे, पर ये तो सारा गीला है यार। लो देख लो रास्ते, देख लो कैसे ऐसी सीढ़ियों के ऊपर चढ़ना है और ये गीली हो रखी है बारिश के चलते, क्योंकि बारिश हल्की हल्की होती रहती है यहाँ पे, नीचे से ऐसा लग रहा है। देखो पता नहीं कौन कौन से जंगलों से जा रहे हैं। लड़की है, बच के भाई, ये तू तो दिख भी नहीं रही इसमें। मैं छुप गई, आप जान के मुझे छुपा रहे हो बस, क्योंकि मैंने वो, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है यहाँ से भी, है ना, इतने ऊपर आ गए हम लोग। वो उधर जो लाइटें जल रही है वो ग्राउंड है, दिख रही है लाइटें आपको, ये ग्राउंड है, यहाँ पे ग्राउंड बहुत है ना, ये हर थोड़ी थोड़ी दूर पे ग्राउंड है, जहाँ निकल रहे हैं वो भी एक ग्राउंड पे जा रहा है। वाह, पुनः हमने गलती कर ली, बता क्या, घास में सिर्फ जाना, नहीं घास नहीं, ये स्लिपरी घास है। हाँ, पुनः काफी गीला है, नहीं होता है, हमने ले लिया पंगा क्योंकि यहाँ पे है घास गीला, ये सारी गीली घास है क्योंकि एक सियाने इंसान ने सैंडल डाल लिए, जूते डाल के जाना चाहिए जब वॉक करने निकले हो तो। वॉक करने नहीं निकले हम लोग, बस हमने क्या थोड़ा देना है तो दिन में थोड़ी वीडियो बना लेते हैं, काफी टाइम हो गया पूनम नहीं आई नहीं ना, लोग मेरे से पूछ रहे थे भी कहीं मैंने इसको छोड़ तो नहीं दिया, मैंने कहा यार कहीं मेरा खात्मा तो नहीं कर दिया, खात्मा इसका खात्मा करके ये तो मुझे भूत नहीं बन गए भी सताए। मेरे तो घर वाले भी पूछ रहे थे कि हमारी बेटी को तुमने कहीं मार मूर तो नहीं दिया, दिखती नहीं आजकल। इसके घर वाले ब्लॉग भी नहीं देखते, उनको कोई लेना देना नहीं है ब्लॉग से, नहीं देखते है ब्लॉग तो देखते है। चल कोई ना, कवर करने की जरूरत नहीं है, देख रहा कवर क्यों करूंगी मैं। चलो यहाँ पे क्योंकि मैं बोल रहा था ये गीला है थोड़ा सा, हर की यहाँ पे मौसम ऐसा रहता है ना, थोड़ी सी ओस पड़ती रहती है उसके चलते थोड़ा सा मतलब क्या ना, गारा टाइप नहीं होता, पंजाबी में गारा बोलते हैं, हिंदी में गारा बोलते हैं, करे है? अरे मेरा, ये मराठी होगा गारा, मतलब ये जो स्लिपरी सा हो जाता है मिट्टी में पानी, कीचड़ है। हाँ हिंदी में कीचड़ हो जाता, सॉरी मराठी में चीकड़ हो जाता है, चिक्कड़। हाँ पंजाबी भी चिक्कड़ होता है पर अभी कीचड़ कहने, चिक्कड़ 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 कीचड़ नहीं चिक्कड़। चल जो, ओ भाई देख के ये देखो हम लोग वहां से चढ़ के आए हैं, सीढ़ियां यहाँ से सीढ़ियां चढ़ के आए, एक तो ये खाली ग्राउंड सा है ना, ग्राउंड में नहीं मतलब पे भी घास लगी हुई है और इधर दरख्त है, और ये एक और थोड़ा सा वो चढ़ाई सी चढ़ेंगे थोड़ी सी, आप मानते हो ना। और यहाँ पे अच्छी बात क्या है, अब ये देखो ये सारे इधर आसपास इतने दरख्त हैं, इधर भी इतने दरख्त हैं, आपको कोई ऐसे जानवर जूनवर नहीं मिलेंगे, वो बनाया सारा पानी इकट्ठा होकर उसमें से चला जाएगा, देख ले वो, ये दिख रहा है आपको वो पीछे वो जो जाली सी लगी हुई है, उसके थ्रू सारा पानी इस वाली उसमें चला जाएगा, इस वाली उसमें नहीं जाएगा, वो जाली से अंदर चला जाएगा। हाँ टनल होगी अंदर सारा पानी, क्योंकि ड्रेनेज यही तो, इसको इसी को तो पूनम ड्रेनेज कहते हैं, ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे अच्छा है, पानी मुझे पता ही नहीं था, कोई ना धीरे धीरे सारी चीजें बंदा सीख जाता है। तो अब हम चढ़ने जा रहे हैं चढ़ाई, ये देखो मेरे पीछे आपको चढ़ाई दिख रही है, हम धीरे धीरे, इतनी नहीं है पर है थोड़ी बहुत, चंदा मामा देखो, पूनम के लिए हम यहाँ पे खच्चर का इंतजाम करेंगे क्योंकि इससे तो चढ़ा नहीं जाएगा। ये देखो इधर भी पेड़ ही पेड़ है, इधर भी सारी पेड़ ही पेड़ बहुत है यार। चल पूनम जा, इसको भागना है, उसमें कर देना स्पीड मोशन में,
वाह, देखो लोगों को पागल बनाने के तरीके। बोली मैं ऐसे भाग रही हूँ, इसको स्पीड मोशन में कर रहा ना, लोगों के लगे भी यार इतनी स्पीड से भाग के गई है। मैंने कहा इसको समझाया भी, लोग इतने पागल नहीं है भी तेरी हर बात को मान लेंगे। लो हम लोग आ गए ग्राउंड में, ये दूसरा ग्राउंड है, मतलब देखो कितना बड़ा ग्राउंड है। यहाँ तो वैसे तो कोचिंग चल रही है, कोचिंग नहीं मतलब वो प्रैक्टिस कर रहे हैं लड़के, वो देखो बहुत बड़ा है, कम 3 से 4 है, रग्बी का भी है, बहुत बड़ा है, उधर भी है। हाँ इसके इसको ये जो पेड़ है ना, इसके पीछे इस पेड़ के पीछे 2 बड़े बड़े इससे बड़े बड़े ग्राउंड है 2 और आज का हम लोग वीडियो बना रहे हैं, जो काफी लोग हमें बार बार बोल रहे थे भी आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, वो है जी स्टूडेंट वीजा और उसके रिलेटेड कोई भी स्कॉलरशिप अगर आपको लेनी है। क्योंकि हम अपने साथ इस वीडियो में कैसे बंदे को लेके आए जिसने स्कॉलरशिप का खूब आनंद उठाया है, न्यूजीलैंड की सरकार के पैसों पे कैसे ऐश करनी है इस प्राणी से सीखो। अच्छा सबसे पहले तो आपको बताते हैं भी एडमिशन लेने का क्या प्रोसीजर है। यहाँ पे वही प्रोसीजर है जो बाकी जगह पे होता है, होगी बात खत्म, बस इतना सा था। नहीं नहीं, सबसे पहले तो आपको कौन सा कोर्स करना है, उस कोर्स पे कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में करवाते हैं वो पता करना है। इंटरनेट पे हर चीज अवेलेबल है ना, सबसे बेस्ट तरीका। सपोज करो आपने आप ग्रेजुएशन कर रखी है, आपने सपोज करो कमर्स कर रखी है आपने, आपने या कोई इंजीनियरिंग कर रखी है या डॉक्टर कर रखा है, कुछ भी कर रखा है, जो भी आपकी ग्रेजुएशन है या ट्वेल्थ है, जो भी आपकी स्ट्रीम है, आप उससे रिलेटेड जो भी कोर्स करना चाहते हो आगे मास्टर्स में या ग्रेजुएशन में, उसको वो देखो वो कोर्स कौन कौन सी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करवाती है और कब कब प्रोवाइड करवाती है, मतलब उनका इनटेक कब कब है ना, जनरली कब कब होता है इनटेक इनका। एक मई वाला है, एक सितंबर शायद है ना, मई या सितंबर, मतलब ये है। और हो सकता है एकाधा और भी हो, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का अपना क्राइटेरिया रहता है हर कॉलेज का। तो जो भी उनका इनटेक होगा उसके हिसाब से आप प्लान करो। सपोज करो आप पर्टिकुलर कोर्स के लिए आ रहे हो, हम कोई कोर्स सिलेक्ट कर लेते हैं, एक्स कोर्स हमने सपोज करो सिलेक्ट कर लिया। अब आप उस कोर्स में जाओगे, एक यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर ली भी, इस यूनिवर्सिटी में मुझे ये वाला कोर्स करना है, वहीं पे लिखा होगा भी भाई आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वहीं पे लिखा होगा ऑफर लेटर अप्लाई करने से पहले, क्योंकि अगर आप ऑफर लेटर के यहाँ पे चार्जेस हैं ना। अच्छा जनरली इसका खर्चा आता है जो ऑफर लेटर का, वो 4-5 हज़ार आता है इंडिया का 4-5 हज़ार के हिसाब से ऑफर लेटर का खर्चा। तो बेटर है वो मंगवाने से पहले आप क्या करो, आप उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ लो भी आप उसके लिए एलिजिबल हो भी या नहीं। सपोज करो आपके ग्रेजुएशन में 70% है और आपके आईलेट्स में 6.5 है और वो उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए आपसे मांग रहे हैं भी आपके 75% चाहिए या आईलेट्स में आपके 7 बैंड मांग रहे हैं, तो बेटर है भी आप पहले एलिजिबिलिटी में जाओ, अगर आप एलिजिबल हो रहे हो फिर आप ऑफर लेटर मंगवाओ। ठीक है जी, ये तो था एक नॉर्मल कोर्सेज के लिए, जो भी आप ग्रेजुएशन के बाद करते हो या मास्टर्स के बाद, सिंपल है। और अगर आप कर रहे हो PhD तो हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है हमारी आज की वीडियो में, पूनम जी, ये हमें बताएंगी PhD के बारे में, क्योंकि PhD का थोड़ा सा क्राइटेरिया अलग है, वो आप पैसों से नहीं कर सकते। हाँ। उसके पैसों से नहीं मिलती PhD, पैसों से नहीं मिलती, क्योंकि बाकियों में क्या है आपने फीस भरोगे आपको एडमिशन मिल जाएगा अगर आप एलिजिबल हो। इसमें आप एलिजिबल भी हो पर आपको फीस तब भरनी है अगर आपको कोई मानेगा भाई आजा तुझे मैं PhD करवा दूंगा, मतलब किसके अंडर करोगे PhD। सबसे पहली चीज जो आपको करनी वो ये है कि आपको आपका फील्ड आइडेंटिफाई करना है, मतलब आपको किस में PhD करनी है, वो कर लिया फिर आप यूनिवर्सिटी की साइट पे जाओ, उस फील्ड से रिलेटेड जो भी प्रोफेसर्स है जो वो फील्ड में काम कर रहे हैं उनको ढूंढो और फिर उनको ईमेल भेजो कि भाई मैं ऐसा ऐसा स्टूडेंट हूँ और मैं PhD करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, तो मैंने आपके पेपर्स पढ़े या जो भी है ना, और आपका फील्ड और मेरा फील्ड मैच होता है तो क्या आप मुझे सुपरवाइज करोगे, क्योंकि सुपरवाइजर की परमिशन होना बहुत जरूरी है। अगर सुपरवाइजर आपको परमिशन देगा ही नहीं, कोई सुपरवाइजर मिलेगा ही नहीं आपको आपकी PhD सुपरवाइज करने के लिए, तो आपको एडमिशन ही नहीं मिलेगा। हाँ, वो पहली क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले कि सुपरवाइजर मिलना जरूरी है, सुपरवाइजर का एक्सेप्टेंस जरूरी है, ठीक है। और ये सब करने के लिए फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको देखनी है कि आपके IELTS में 6.5 होने चाहिए, जैसे मैसी यूनिवर्सिटी जितने भी न्यूजीलैंड की 6.5 तो मिनिमम है। हाँ। और ईच मान के चलो आप 6 होने चाहिए और ओवरऑल 6.5 ये तो मिनिमम यूनिवर्सिटी का न्यूजीलैंड, ये मिनिमम क्राइटेरिया और हर जगह का ही है, मान के चलो आप हर जगह का ही है। हाँ। इनकेस आप अगर आपके कम है और अगर आपको कोई लालच दे रहा है मैं आपका एडमिशन करवा दूंगा, तो समझो वो आपको
ऐसे कॉलेज में करवा रहा है जहाँ आपके बाद में दिक्कत आ सकती है ना, वर्क वीजा लेने में, पोस्ट स्टडी वर्क वीजा लेने में आपको दिक्कत आ सकती है, तो बेटर है आप अपना आईलेट स्कोर को इम्प्रूव करने में आप ट्राई करो, ना कि उस कम आईलेट स्कोर पे आप फंसने की वो करो, है ना। फिर आपके मास्टर्स में आपके जो जीपीए है वो होने चाहिए अराउंड 7.58, हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग है, वो चेक कर लेना, पर 7.58 तो नॉर्मल है। अच्छा, हमारे यहाँ पे सीजीपीए होता है और यहाँ पे जीपीए होता है, वो अलग कैलकुलेट होता है, वो आप कन्वर्ट कर सकते हो। भी आपको आइडिया लग जाएगा आपका कितना जीपीए बन रहा है। एक बार आपने वो कैलकुलेट कर लिया, उनकी एलिजिबिलिटी में आ गई ये दो चीजें, फिर उसके बाद में आती है कि अप्लाई करना। जब आपने अप्लाई कर लिया, सुपरवाइजर का लेटर आ गया आपको कि हाँ भाई मैं रेडी हूँ अप्लाई, मतलब आपको सुपरवाइज करने के लिए, आपके मास्टर्स के जो भी मार्क्स है वो मैच हो गए, मास्टर्स की डिग्री भी आपकी वेरीफाइड होनी चाहिए, ये नहीं कि आपकी वेरीफाइड नहीं है कहीं पर भी है, तो NZQA होता है, उसकी वीडियो हम अलग से बनाएंगे, अभी बस शॉर्ट में बता देते कि NZQA होता है जहाँ पे आपकी डिग्री को वो इक्विवेलेंट है कि नहीं न्यूजीलैंड की डिग्री से, वो वेरीफाई करते हैं। मेनली क्या है, सबसे पहले तो आपका आईलेट्स का स्कोर है, मतलब 6.5 ओवरऑल और 6 ईच। फिर उसके बाद सेकंड क्राइटेरिया आता है आपकी मास्टर्स के, पीएचडी की बात कर रहा हूँ मैं अभी, तो मास्टर्स में आपका जो भी आपका स्कोर कार्ड है, जो भी आपकी जीपीए सीजीपीए जो भी आप कन्वर्ट करके देख रहे हो, वो आप उस क्राइटेरिया में लाई करते हो, कन्वर्ट करना है उसको क्राइटेरिया में, उस क्राइटेरिया में लाई करते हो या नहीं करते हो, ये दो हो गए। उसके बाद आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आप अपना जो भी आप करना चाहते हो, जिस फील्ड में करना चाहते हो, अभी तक आपने क्या काम किया, वो सारे काम की डिटेल आप जो भी आप प्रोफेसर के अंडर करना चाहते हो आप सर्च करना पड़ेगा आपको। ये आपको ये कोई एजेंट नहीं बताएगा, कोई कंसल्टेंसी नहीं बताएगी, आपको खुद यूनिवर्सिटीज़ में जाना पड़ेगा, उनके प्रोफेसर ढूंढने पड़ेंगे भी कौन सा प्रोफेसर किस पे काम करता है, फिर उन प्रोफेसरों को ईमेल करना पड़ेगा भाई जी मैंने ये काम किया है अभी तक और आप, मैं आपके अंडर ये काम करना चाहता हूँ तो या क्या चाहती हूँ तो मुझे प्लीज़ एक मौका दो, तो वो आपका काम देख के आपको हो सकता है मना कर दें, कोई रिप्लाई भी नहीं करता, तो हो सकता है, डिपेंड करता है, हो सकता है कोई आपसे एक्स्ट्रा कुछ मांग ले, वो कह सकता है कि भाई ठीक है तुम मुझे एक रिसर्च प्रपोजल भेजो, हाँ मतलब भी तो तुम्हें वो लिख के भेजना पड़ेगा। जैसे मेरे केस में मेरी सुपरवाइजर ने मुझे बोला था कि मुझे रिसर्च प्रपोजल भेजो, तो मैंने उसको वो लिख के भेजा, फिर उसने उससे आइडिया लगा लिया कि हाँ मैं कर सकती हूँ नहीं कर सकती, मतलब रिसर्च प्रपोजल क्या होता है, वो तुम्हारा विजन देखते हैं, तुमने जो अभी तक किया है उसके बेसिस पे तुम आगे क्या करना चाहते हो, मतलब वो है भी या भी नहीं, जब बस ऐसे हवा में तीर छोड़े जा रहे हो, कि कई बच्चे ये होते हैं ना बस जाना है, मैं बाहर निकलना है तो बस निकलना है, फिर वो ये नहीं सोचते कि हम एडमिशन तो ले लेंगे फिर वहां जाके क्या करेंगे, क्योंकि पीएचडी इसीलिए सबसे हायर लेवल की क्वालिफिकेशन मानी जाती है, टफ होती है, टफ इन द सेंस पढ़ना पड़ता है आपको, लिखना पड़ता है, वो ज्यादा विजन ज्यादा होता है क्योंकि थोड़ा सा क्रिएटिव रहना पड़ता है कैसे करना है ना, क्रिटिकल एनालिसिस पार्ट आपका अच्छा होना चाहिए। अब ये तीन चीजें हो गई, सुपरवाइजर हो गया, कुछ हो गया, फिर आप अप्लाई करो, जो भी आपका स्कूल होगा, जो भी डिपार्टमेंट होगा उसके अंडर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ये सारी चीजें सिर्फ ऑफर लेटर मंगवाने के लिए, और बाकी अगर जितने भी पीएचडी के बिना जितने भी कोर्सेज हैं उसमें आपको सिर्फ आईलेट्स का स्कोर और आपकी लास्ट डिग्री जो है वो 12th है, चाहे कोई ग्रेजुएशन है, चाहे मास्टर्स है, जो भी आप मास्टर्स नहीं, जो भी आपकी लास्ट डिग्री होगी जिसके बेसिस पे आप नेक्स्ट डिग्री करना चाहते हो, नेक्स्ट स्टडी करना चाहते हो, उसका स्कोर और आईलेट्स बस, उसके बेसिस पे आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा। तो पीएचडी के ऑफर लेटर के लिए आपको तीन चीजें चाहिए, आईलेट्स का स्कोर कार्ड, लास्ट डिग्री का परफॉर्मेंस जो भी आपकी है उस, और सुपरवाइजर का लेटर। हो गया, ऑफर लेटर अप्लाई करो, ऑफर लेटर आ जाएगा। अब आता है सारा खेल जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है पैसे का। भैया अगर ये नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, और न्यूजीलैंड की सबसे अच्छी चीज ये है कि यहाँ पे जो पीएचडी होती है वो डोमेस्टिक रेट पे होती है। हाँ, मतलब जो भी डोमेस्टिक उनकी फीस होगी यहाँ के लोगों के लिए, वही फीस इंटरनेशनल स्टूडेंट की होगी, वो सिर्फ पीएचडी के लिए। हाँ, सिर्फ पीएचडी के। मतलब डोमेस्टिक का मतलब ये हो गया, अभी अगर यहाँ का कोई पैदा हुआ बच्चा है, मतलब जिसका जन्म यहाँ न्यूजीलैंड का सिटीजन है या पीआर है, अगर वो यहाँ पे पीएचडी करेगा, जितनी फीस उसको लगेगी उतनी ही किसी भी इंटरनेशनल स्टूडेंट को लगेगी। फीस, सिर्फ फीस की बात कर रहे हैं, फीस और टोटल खर्चे में बहुत फर्क है, वो आपको आगे बताते हैं। ये सिर्फ फीस की बात है, मतलब फीस में आपकी फीस में क्या क्या इंक्लूड हो जाता है, फीस में आपकी ट्यूशन फीस है, जो भी आपके बिल्डिंग चार्जेस वगैरह होते हैं, कोर्स चार्जेस होंगे, इंश्योरेंस हो गया, ये चीजें इंक्लूड हो जाएंगी, चार ही चीजें होती है मेनली, लेकिन ये सिर्फ फीस है, लिविंग एक्सपेंसेस अलग है। ठीक है, लिविंग एक्सपेंसेस मतलब जब आप न्यूजीलैंड में रहोगे, जितने भी ड्यूरेशन के लिए आप रहोगे, वो ड्यूरेशन के लिए आप अपने आप को कैसे सपोर्ट करोगे, आप अपना खर्चा कैसे उठाओगे, वो हो गया लिविंग एक्सपेंस। और तो वो अलग से शो करने पड़ते हैं, वो आपको हर एक कोर्स के लिए करना पड़ेगा, चाहे वो आपका पीएचडी है, चाहे कोई आप ग्रेजुएशन करने हो, मास्टर्स करने आ रहे हो, आपको हर कोर्स के लिए करना पड़ेगा।
आप जितने भी साल यहाँ पे रहोगे उतने साल का आपको दिखाना पड़ेगा। जैसे आप दो साल का स्टडी करने आ रहे हो तो ये मांगते हैं, फीस को हम निकाल देते हैं, अभी हम फीस की बात नहीं कर रहे, पर ईयर 15,000 से 20,000 डॉलर है। तो 15,000 से 20,000 आपका वो वेरी करेगा, मैक्सिमम 20 है, मिनिमम 15 है पर ईयर। इतना आपको सिर्फ आपके लिविंग एक्सपेंसेस शो करने के लिए चाहिए, मिनिमम बता रहा हूँ ये इतना चाहिए, ये आपके अकाउंट में चाहिए। जितने टाइम का आप पैसा शो करोगे लिविंग एक्सपेंस, उतने ही टाइम का वीजा लगेगा। हाँ, पर ऐसा नहीं है भी आपने एक साल का, आपकी स्टडी 3 साल की है, आपने 1 साल का शो कर दिया और आपको 1 साल का वीजा मिलेगा, नहीं। बाकी के 2 साल का भी आपको दिखाना पड़ेगा, भी वो क्या करोगे, उसका भी आप दिखा दो भी ये मैंने लोन ले रखा है, लोन से पे होगा या आपको हम दिखाएंगे फंड का, आपके क्या क्या ऑप्शन है आपके पास। पर आपको 2 साल का भी वो बताना पड़ेगा भी मेरे पास क्या ऑप्शन है, तब आपको वीजा 1 साल का मिलेगा, हो सकता है 3 का भी दे दें, वो इमिग्रेशन पे डिपेंड करता है। वो उसका बीवी से लड़ाई नहीं हुई, हाँ, अच्छे से वीजा, उसका कोई फिक्स नहीं है, पर ये इसका क्राइटेरिया है। अच्छा, फंड में क्या क्या आ जाता है? फंड में आपका ये मिनिमम मांगते हैं, मिनिमम जो भी आपके आपका जो अभी अकाउंट है जिसमें आपने पैसा दिखाया, वो मिनिमम आपकी जो स्टेटमेंट मांगते हैं वो 6 मंथ पुरानी इनकी स्टेटमेंट चल जाएगी। मिनिमम 6 मंथ पुरानी होनी ही चाहिए आपके अकाउंट में, वो 6 मंथ महीने का पैसा होना ही चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते, जैसे सपोज करो आपके अकाउंट में आपको दिखाना है $20,000 दिखाना है, आपने 2 महीने पहले किसी से इतने पैसे ले लिए, यार मेरे अकाउंट में डाल दे, मुझे स्टेटमेंट निकालनी है, नहीं, तो वो उसकी इंक्वायरी होगी भी बताओ ये पैसा कहाँ से आया है, आपको उसका जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा दोनों को, क्योंकि ऐसा नहीं होता ना, इनको भी पता भी ये क्या क्या सीन है, भी एकदम से इनके अकाउंट में इतना पैसा क्या आ गया, सिर्फ ये दिखाने के लिए कर रहे हैं, तो उसकी आपको जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी। तो उसके लिए एक स्पॉन्सरशिप लेटर भी आते हैं, वो इनकी इमिग्रेशन पे साइट पे लिखा हुआ है कौन कौन आपको स्पॉन्सर कर सकता है, चाचा, ताया, मामा, भाई, दोस्त, जो भी है, वो उसमें आप चले जाना, आपको पता चल जाए भी आपको कौन स्पॉन्सर कर सकता है, वो एक लेटर भरेगा, बता देगा, और अपना जो भी स्टेटमेंट है वो दिखा देगा भी भाई मेरे पास है इतना, मैं स्पॉन्सर कर सकता हूँ, ये मेरा लेटर है, ये मेरी सारी जो भी आईडी प्रूफ है, जो भी चीज है। अगर कोई आपका रिलेटिव यहाँ पर भी रह रहा है, न्यूजीलैंड में भी रह रहा है, तो वो भी आपको स्पॉन्सर कर सकता है। सेम सपोर्टिंग लेटर चाहिए होगा, हाँ। उसको दिखाना पड़ेगा कि भाई मैं खुद को भी सपोर्ट कर सकता हूँ और मैं इसको भी सपोर्ट कर सकता हूँ, हाँ, मतलब ये नहीं है कि खुद के खाने के लाले पड़े और वो आपको सपोर्ट कर रहा है ना। हाँ, तो ये था तो अकाउंट के बारे में। दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है फंड का, आपके पास कोई अगर FD है, उस FD में आपका नाम है, मतलब हो सकता है आपके पेरेंट्स की भी FD हो पर FD में आपका नाम है, नॉमिनी आप हो, तब भी वो FD चल जाएगी। अगर FD आपकी अगर 6 महीने पुरानी है, वो भी आपका एक इनकम दिखाने का, आपका फंड दिखाने का ऑप्शन है। और तीसरा आपका क्या है, आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है या आपके पेरेंट्स के नाम पर कोई प्रॉपर्टी है, उसका वैल्यूएशन करवा के, मतलब वैल्यूएशन होती है, वो सरकारी डॉक्यूमेंट होता है, वो आपकी उसकी वैल्यूएशन कर देंगे भाई ये सारी प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी बनती है, इतनी प्रॉपर्टी का ही मालिक है या नॉमिनेट है, तो उसके बेसिस पे भी वो मान लेते भी हाँ आगे के दो साल की फीस ही ऐसे पे कर देगा। तीसरा चौथा ऑप्शन आपके पास क्या है, लोन का, स्टूडेंट लोन बहुत मिल जाते हैं या पर्सनल लोन ले सकते हो आप, लोन वाला ऑप्शन भी है। तो ये सारे ऑप्शन है फंड दिखाने के या जो भी आपके लिविंग एक्सपेंसेस दिखाने के। जो सबसे बेस्ट वाला है वो है स्कॉलरशिप का, अगर आपको स्कॉलरशिप मिलती है तो वो हम बेटर है पूनम जी से जाने, ये इस पूरी क्रिया से गुजर चुकी हैं। क्या है स्कॉलरशिप के लिए क्राइटेरिया है, उनकी 7 GPA होना चाहिए, फिर हर यूनिवर्सिटी का अलग है, वो उनके वेबसाइट पे मिल जाएगा, वो चेक कर लो, ठीक है। IELTS का स्कोर वो हर यूनिवर्सिटी का सेम है, 6.5 मिन ओवरऑल होना चाहिए, 6 ईच होना चाहिए, ठीक है। अब इसके अलावा क्योंकि हम मास्टर्स करके आए हैं तो हमने कोई प्रोजेक्ट किया होगा अपने मास्टर्स में, हमने कोई रिसर्च की होगी, तो वो रिसर्च से रिलेटेड हमारी थीसिस, उससे रिलेटेड हमारे पेपर्स पब्लिश किए होंगे वो, और अगर तुमने कहीं पे काम किया है तो वो एक्सपीरियंस वो ऐड होता है। तो इसके बेसिस पे एक मेरिट बनती है, अब वो मेरिट में अगर तुम्हारे पॉइंट्स हायर है तो तुम्हें स्कॉलरशिप मिल जाएगी, नहीं है तो भाई फिर, क्योंकि स्कॉलरशिप अप्लाई करने वाले भी बहुत बंदे होते हैं। और इसमें तुम क्या कर सकते हो, तुम अप्लाई करो, अप्लाई करने के बाद तुम अपने जिस जो भी तुम्हारे सुपरवाइजर ने तुम्हें मतलब एग्री किया भी हाँ मैं तुम्हें सुपरवाइज करूंगा, मेरे अंडर तुम PhD कर लेना, उसको तुम बोलो भी मेरी तरफ से एक उसकी तरफ से तुम्हारे लिए वो एक लेटर लिखेगा, मतलब सिर्फ साइन कर देगा, लेटर तुम भर सकते हो भी हाँ लड़का अच्छा है मैं इसको रेकमेंड करता हूँ, सुपरवाइजर बोल देगा, बस उससे फर्क वो पड़ता है, डिपेंड करता है, कई बार फर्क पड़ता है, कई बार नहीं भी पड़ता है। जैसे मेरे केस में जब मैंने ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई किया था
तो मुझे तो वो सुपरवाइजर ने सीधा लिख के दिया था कि आई रेकमेंड हर फॉर स्कॉलरशिप, उसने यही लिख के दिया था, बट वहां पे मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिली। इसमें सारा खेल क्या फर्क पड़ता है भी, जो तुम्हारा सुपरवाइजर है वो कौन है, मतलब उसका वहां पे क्या ऑरा है, मतलब उसकी पोजीशन क्या है वहां पे, उसकी वैल्यू कितनी है उस डिपार्टमेंट में या उस यूनिवर्सिटी में, फर्क पड़ता है। बट पड़ता है, इसका डेफिनेटली फर्क पड़ता है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, अगर कोई बंदा कोई डीन है या कोई बड़े लेवल का प्रोफेसर है, डेजिग्नेशन मैटर करती है, क्योंकि डेफिनेटली अगर डीन बोलेगा कि भाई मेरा बच्चा को स्कॉलरशिप, मतलब वो लायक है उसके, तो कंसीडर करने के मतलब चांसेस बढ़ जाते हैं, तुम्हारा ऑटोमेटिकली एक प्लस पॉइंट है। तो हमेशा ट्राई करो भी अपने सुपरवाइजर को एक लेटर लिखो भी वो तुम्हें रेकमेंड करे, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ऑनेस्टी। हाँ। जब तुम अपने सुपरवाइजर से बात कर रहे, इवन जब तुम उसको पहली बार ईमेल भेज रहे हो कि भाई मैं आपके अंडर पीएचडी करना चाहता हूँ, बी ऑनेस्ट, जितना पता है उतना ही बोलो, ये नहीं कि फेंक के आ गए और बाद में जब पूछ रहे तुम्हें तो तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। हाँ, मतलब जैसे हम लोग, सुपरवाइजर अनॉय हो जाएगा, तो वो तुम्हें वैसे बोल देगा कि चलो मैं सुपरवाइज कर देता हूँ, पर फिर वो तुम्हें स्कॉलरशिप के लिए या फर्दर बेनिफिट्स के लिए वो रेकमेंड नहीं करेगा। इसलिए ऑनेस्टी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग रिज्यूम में बहुत बड़ा चढ़ा के लिख देते ना, ये भी किया है, वो भी आता है, फलाना धमकाना, पर आता कुछ नहीं होता उतना, तो उससे बेटर है भी सही है जो वही रखो। तो बस ये था हमारा स्टडी वीजा से रिलेटेड या स्कॉलरशिप से रिलेटेड सारी वीडियो। तो इससे रिलेटेड आपको जो भी कोई क्वेरी है, चाहे वो वीजा से रिलेटेड है, स्टडी वीजा में क्या क्या सीन है, क्या क्या और आपको दिक्कत आ रही है जहाँ पे, और स्कॉलरशिप से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत है। अच्छा, स्कॉलरशिप कई बार तो आपको पूरी मिल जाती है, 50% मिलती है, 30% मिलती है, मैं बोलता हूँ यार जितनी मिल रही है हमारा तो बेनिफिट ही हो रहा है, तो आप अप्लाई जरूर करो, चाहे आप किसी भी कोर्स के लिए आ रहे हो। जैसे जैसे आपको बताया, बस ऑनेस्ट रहो, सब सही होगा, बस डॉक्यूमेंट्स अपने सही रखो, डॉक्यूमेंट जैसे हमने पहले बताया, डॉक्यूमेंट पकड़े गए तो फिर कभी नहीं, बैन वाला सीन है। तो बस ठीक है जी, बाकी खुश रहो, अपना प्यार बांटते रहो, तब तक के लिए रब रखा, रब रखा।